हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे कि लास्ट के दो मंथ्स में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट के दो मंथ हमारी नीट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट के मंथ में आके डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं उसमें इतना अच्छे से एफर्ट्स नहीं लगाए होते, लेकिन लास्ट के मंथ में अपने फुल पोटेंशियल से हार्डवर्क करके वो अपने आप को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा लेते हैं। लास्ट के दो मंथ में हमें क्या क्या करना है, कैसे इतने सारे सिलेबस को रिवाइज करना है, बेटर वे में करना है, सो दैट लॉन्ग टर्म रिटेन कर पाए और एग्जाम में मेन एग्जाम में जाके सारी नेगेटिव मिस्टेक्स ना कर पाए, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट दो मंथ की स्ट्रेटजी में जो मेन पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है हमारा वो क्या है, रिवाइज यूनिट वाइज नॉट चैप्टर वाइज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी दिन हमारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर उठा लिया, किसी दिन हमारा बायोटेक वाला चैप्टर उठा लिया, तो आपको ऐसे नहीं करना है। अब लास्ट के मंथ में आपको यूनिट वाइज रिवाइज करना है। यूनिट वाइज रिविजन से क्या हेल्प होती है, आपकी पूरी यूनिट जो होती है एक कंस्ट्रक्टिव वे में बनती है, आपको पूरा कोऑर्डिनेशन बन जाता है कि हाँ यार इस चैप्टर के साथ आप लिंक करके दूसरे चैप्टर को देख पाते हैं और आपको लॉन्ग टर्म वो चीजें रिटेन रहती है। जैसे आप सिंपल सी बात करते हैं, आपको अगर हमने बायोटेक की यूनिट पूरी एक साथ लेनी है तो बायोटेक आपको पूरी एक साथ उठानी है, लेकिन उससे पहले आपको क्या आनी चाहिए, हमारी जेनेटिक्स जरूर आनी चाहिए। तो पहले आप जेनेटिक्स करेंगे उसके बाद बायोटेक, क्योंकि आपको पता ही नहीं है जीन क्या है, डीएनए क्या है, उसके पार्ट क्या होते हैं, स्प्लाइसिंग क्या होती है, तो आप जो जेनेटिक वाली है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाली है, उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है। पहले जो लिंक वाली यूनिट है उसको पहले कवर करना है, आपको पूरी ऑर्गेनिक एक साथ कवर करनी है। यानी कि आपने आज हेलो एल्केन उठा लिया, फिर फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठा लिया, नहीं, आपको प्रॉपर यूनिट यूनिट साथ में कवर करते हुए चलना है। जैसे आपको, लेकिन हाँ ये चीज आपको याद रखनी है, जैसे मैंने बताया आपको लिंक वाले चैप्टर्स को पहले कवर करना है। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाने से पहले आपको केमिकल बॉन्ड वाला चैप्टर आना चाहिए। अगर आपको केमिकल बॉन्ड ही नहीं आती, क्योंकि वो चैप्टर तो रूट है, वो इनऑर्गेनिक में भी रूट है, ऑर्गेनिक में भी रूट है, तो आपको पहले केमिकल बॉन्डिंग वाला अपना चैप्टर जो है स्ट्रॉन्ग बनाना हुआ चलना है। तो आपको क्या करना है, यूनिट वाइज रिवाइज करना है, नॉट चैप्टर वाइज। और साथ में ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट वाइज आपको रिवाइज करना, तो आपको पहले यूनिट्स के नाम लिख लेना है और पर्टिकुलरली टाइम फिक्स कर लो कि हाँ मैं पर्टिकुलर यूनिट को कितना टाइम देने वाला हूँ। तो इससे ना आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हाँ यार मैंने इतने टाइम लिमिट फिक्स कर रखी है, तो मुझे इतने पर्टिकुलरली टाइम में ही वो चैप्टर को रिवाइज करना है। बायोटेक है, बायोटेक में दो चैप्टर्स, आपको उसको बोल दिया कि हाँ मैं आज से 5 घंटे में अपने प्रॉपर दोनों चैप्टर्स को रिवाइज कर लूंगा। तो आपको 5 घंटे में देखना कि पहले वाला चैप्टर कम वेटेज, मतलब कम टाइम कंज्यूम करना, तो मैं उसे 2.5 में कर लूंगा, मतलब 2 आवर। फिर आपको देखना कि जो 5 घंटे उसमें फर्स्ट वाले को 2 आवर्स में रिवाइज कर लूंगा, सेकंड वाले को 3 आवर्स में रिवाइज कर लूंगा। अब आपको पर्टिकुलरली रिवीजन कैसे करनी है वो नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिवाइड चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। मैंने बताया जैसे आपको पर्टिकुलरली जो यूनिट के अंदर चैप्टर्स उनको ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। उसके बाद आप टॉप को टॉपिक्स को रिवाइज कैसे करना है, जैसे आपको पता है मैंने बायोटेक का एक सेगमेंट ले रखा है, आपको पता होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, आपको ये सारी चीजें पता होती है। लेकिन आपको यहाँ पे हिंट सेकंड वाला पार्ट है कि सबसे पहले कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था, कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में 900 अभी तक डिस्कवर हुआ था, ये छोटी छोटी चीजें जो आप भूल जाते हो। आप A4 साइज की शीट ले सकते हो, उस पर सारी चीजें लिख के रख सकते हो। साथ में अब पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा ओरी क्या होता है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या होता है, लाइगेज का काम जॉइनिंग होती है, सारी चीजें आपको क्लियर होती है क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर है। आप भूलते क्यों इस डायग्राम को कि आपको पता है BAM-H1 किसको कोड करता है, PVU PST किसको कोड करता है, ये छोटा सा डायग्राम, इसमें से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड। फिर हम बोलते हैं यार NCERT में पेपर आया ही नहीं है, ये पेपर तो आउट ऑफ NCERT, जिसके नीचे पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे, इसमें से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आपको ये चीज प्रॉपर अच्छे से याद रखनी है, ये चीज गड़बड़ नहीं करनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट जो बात करते हैं, फर्स्ट सी PYQ एंड टेस्ट सीरीज। अब मैं आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस रोल बताती हूँ। देखो अगर आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करने बैठे हो, सबसे पहले आपको उसका प्रीवियस पैटर्न देखना है और जो आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे उस चैप्टर में आपने क्या क्या मिस्टेक कर रखी थी वो देखना है। जैसे मैंने बताया सेमीकंडक्टर में हर सारे क्वेश्चन फिक्स है, लॉजिक गेट्स पे आता है, तो इससे आपको पता लग जाता है कि हाँ लॉजिक गेट आपको करने ही करने, क्योंकि आपको मैंने पहले से सिग्नल कि ये पढ़ना है, आपको पहले सिलेक्टिव टॉपिक हो गए, तो आपका माइंड वही अल्टीमेटली ज्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि NCERT और शॉर्ट नोट्स। देखो वैसे मैंने बायोलॉजी NCERT शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए बहुत डिटेल में एक वीडियो डाल रखी है, तो बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए अब वो वाली पर्टिकुलरली वीडियो देखने, मैंने अपने प्रॉपर PDF शेयर कर रखे, मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखे, आप वहां से ले सकते हो। मैंने यकीन वाले ग्रुप में भी अपने जो बच्चे यकीन के फिजिक्स वाले में पढ़ रहे हैं उनको भी मैंने स्टार्टिंग से सारे मेंटोरशिप में शेयर करती हुई आ रही हूं। साथ में वो आपके पास टाइम तो है नहीं कि इतना आप प्रॉपर से शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। आप पर्टिकुलरली हाईलाइटर लेके अपनी पूरी NCERT में हाईलाइट कर सकते हो, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो सिर्फ हाईलाइटेड वाले टॉपिक्स उनको रिवाइज करते हो चलोगे, ठीक है। अब बात करते हैं NCERT पढ़नी है कि नहीं, बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, तो केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है सेम एज बायो। ऑर्गेनिक में आपको पहले नोट्स कवर करने, डायरेक्टली NCERT पढ़ोगे नहीं समझ में आने की, पहले आपको नोट्स कवर करने है, उसके बाद आपको लगता है कि आप ऑर्गेनिक की NCERT एक बार रीड करके देखो और रीड करने पर आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है वो अपने नोट्स में एड ऑन कर लो, सो दैट आपको सेकंड टाइम जो है ऑर्गेनिक की NCERT ना पढ़नी पड़े। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपको क्या करना है, ओनली इंडेक्स क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बोलते थे NCERT की बैक एक्सरसाइज करनी है, देखो बैक एक्सरसाइज ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 4-5 मिनट में सॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको इंडेक्स क्वेश्चन जो चैप्टर के बीच में होते हैं वो वाले सॉल्व करने, आपको कोई नहीं बताता
आंसर करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली नीट में रिपीट हो जाते हैं। आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स, इन तीनों में ये जो है प्रॉपर आप क्या कर सकते हो, इन चारों में सारे इंटेक्स क्वेश्चन कवर कर सकते हो। इंटेक्स क्वेश्चन आपके एक मिनट के लिए होते हैं, आपके इजिली सॉल्व भी हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अब देखो बहुत सारे बच्चे अभी टेस्ट दे रहे होंगे, उनके मार्क्स लो आ रहे होंगे, तो लो मार्क्स आने की वजह से वो पढ़ना छोड़ देते कि यार इतनी सारी मेहनत कर ली, या तुमने अभी स्टार्टिंग से जो पढ़ा है ना वो चैप्टर वाइज पढ़ा है, अब तुम्हारे यूनिट वाइज टेस्ट आने लगे, हाफ ऑफ सिलेबस के टेस्ट आने लगे, तो एक साथ तुमने इतना सारा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाए तो टेस्ट में स्कोर कम आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको भी लिंक करना है। अभी आप रिवाइज करने लगे हो, सबसे पहले हिम्मत नहीं आनी है सारे के सारे टेस्ट देने। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लो स्कोर आ रहा है फिर भी आपको टेस्ट देना है, टेक टेस्ट इन पॉजिटिव वे। कैसे भाई? देखो अगर तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हें अपनी मिस्टेक्स पता लगेंगी, उन मिस्टेक को तुम अभी एनालाइज कर पाओगे, उन पे वर्क कर पाओगे, फिर सेम मिस्टेक तुम मेन एग्जाम में जाके नहीं कर पाओगे और आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। तो सबसे पहले आपको मिस्टेक नोटबुक बनाने, मिस्टेक एनालिसिस करने के बाद मिस्टेक नोटबुक में आपको क्या क्या चीजें लिखनी होती है, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक आपकी छोटी से छोटी सिली मिस्टेक है आपको वो भी लिखनी है। जैसे बहुत सारे बच्चों के अलग अलग सिस्टम में सिली मिस्टेक्स होती है, मेरी गलती थी मैं नोट नहीं पढ़ती थी, कहीं इनकरेक्ट नहीं पढ़ती थी, कहीं चारों ऑप्शन नहीं पढ़े जल्दबाजी में, तो वो चीज। फिर आपको वीक एरियाज मतलब जो आपके क्वेश्चन गलत हो गया, आपने पढ़ा हुआ टॉपिक था फिर भी गलत हो गया। सेकंड है आपका अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपने लगा अपने टॉपिक पढ़ाई नहीं था इसलिए आपने अनअटेम्प्ट करा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करा। अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है तो आपको ये पढ़ना है, रिवाइज करना है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना है। अगर आपको लग रहा है बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है तो आप इसे छोड़ भी सकते। नेक्स्ट है कैलकुलेशन एरर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं वो कैलकुलेशन सॉल्व ही नहीं करते कि यार कर लेंगे एग्जाम में कर लेंगे, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती, इसलिए आपको कैलकुलेशन घर पे प्रैक्टिस करते हो चलने, सो दैट आप कैलकुलेशन एरर्स को अवॉइड कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट वेस्ट योर टाइम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, मोटिवेशन वाली वीडियोस देखते रहते हैं। देखो यार उनका तो सिलेक्शन हो गया, अभी तुम्हारी सिलेक्शन की बारी है। तुम रियल मोटिवेशन अपने आसपास की सर्कमस्टेंसेस से लो कि तुम्हारी कंडीशन क्या है, तुम्हें क्यों इंप्रूव करनी है, तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है। तो अगर तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारे लिए एक्चुअल में यही ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर एमबीबीएस ही करनी है, कि हाँ मुझे एमबीबीएस ही करनी है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो ये चीज सोचो कि हाँ मुझे दोबारा अटेम्प्ट लेना ना पड़े, इसलिए मुझे अपने एफर्ट सारे के सारे जितने भी है लास्ट दो मंथ में लगा देने, सो दैट मेरे पास कोई रीजन ना हो कि हाँ काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, मेरे पास कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता, काश थोड़ी और मेहनत कर लेता, कोई और बेटर मेडिकल कॉलेज डिजर्व कर लेता। तो काश वाली फीलिंग तुम्हें नहीं आनी चाहिए, इसलिए लास्ट के दो मंथ में सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे काम क्या होना चाहिए, पढ़ना, खाना, सोना, और सेम साइकिल को आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस है। तुम्हें ये हम सब ब्लेम करते रहते हैं कि मैं ही ऐसा क्यों, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन यू आर द चेंज। हम बोलते हैं ना कि यार चेंज कब आएगा हमारी लाइफ में, चेंज कब आएगा, तुम ही चेंज हो। तुम्हें उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में अपना सिलेक्शन कैसे भी लेके दिखाना है, फिर तुम अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सकते हो, और फिर अपनी मोटिवेशन सक्सेस स्टोरी तुम्हारी यूट्यूब पे अपलोड होगी। तो तुम्हारे पास टाइम है कि दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखनी है, या फिर खुद की सक्सेस स्टोरी खुद बना के खुद नई डिस्कवरी करके लिखनी है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।